बेटे वह तूने आम का सीगा इस्तेमाल करके अपने आप को भी अफसरों की फरिश्त में शामिल कर दिया बच्चा। तू सारी जिंदगी भी लगा रहे सारा पिंड अफसर हो जाएगा मगर तू नहीं होगा। वो जो आप तुम्हारी गोगड़ वह लांती कर दारो वह गधे के मुंह वालो वह तुम काकियों को शेरते हो वो करते क्या हो लांती करदार हो तुम। कॉलेज में पढ़ते हैं जी। पढ़ते हो या मेरा गधे की तरह मन मन किताबों का बोझ उठाए फिरते हो। पढ़ते हैं जी। पढ़ते हो जी। आदि आजम का सवाल आता है डब के मर जाओ तुम अध्यात्म को सवाल आते नहीं हो काकियों को छेड़ते आओ। अब मुझे क्या काम करता जी। वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस तुम्हारे बिजी करमदास आज का खाता मुकम्मल हो गया ध्यान रखो इनका। ओके सर। सर जी वो खाते नंबर जी। ना जी ना ये काकियों के काले के बाहर सीढ़ियां जाते हुए पकड़ के लाया चोई साहब हम। वो ऐश के जाओ वो तुम्हारे मैं आज सुबह सवेरे से ही लांती करदारों की आमद आमद आए वो खोते के खुरो वो ये काकियों के कॉलेज के बाहर करने के जाते हो जी। चाट खाने गए थे वहां। तुझको तो मैं भी बढ़ाता हूँ ना चाट ऊपर से तेरे निचोड़ूंगा मैं नींबू दंद निकालूंगा मैं उठ के लपड़ मार के तेरा बीर बार निकाल दूंगा गधा आदमी। वैदी आदर जी ना बैली बच्ची का तलाशी लाओ इनकी। एक जंजीरी गाल में और उसने मूरत चोई साहब सदकी जाओ वह मैं तुम्हारी चढ़ती जवानी हो गए वह रहते किधर हो। पक्की बस्ती में जी। वो बस घर पक्की बस्ती में और इधर तेरा मील पहले करके चार खाने आते हो। वो काठे मुझको लगता है कि इनकी हड्डी पसली आई सलामत नहीं बचनी कोई। बचने नौ नंबर का लित्र टायर सोल वाला लियाओ जरा इनको चित्रावल करे। ना जी ना सर पहले रिपोर्ट ना दर्ज हो जाए। वह डल माइंडेड इंसान इनके हमती इनकी जमानती आ गए उससे पहले पहले इनको सजा होनी चाहिए। आप तो बड़ा क्विक होते जा रहे हैं जो साहब। वो मामला ही ऐसा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर मैं भी जवान बच्ची का बाप हूँ। वो लाई जाओ इनको उधर चलो जाके छित्र मारो इनको। चलो आइए। तो बच्चिया मैंने तुमसे तुम्हारे अब्बी जी का नाम पूछा था सोचा है जी। मेरे अब्बा जी नहीं है सर गुजर गए हैं जी। हाँ वह ये करतूत करता है अपने प्यो को मोए हुए प्यो की रूह को ठंड पहुंचाने के लिए। ना जी ना चोई साहब कीमा तो इनका कुटे ही जाना है। तुम चुप करो बड़े छोटा है वो तुम्हारा जी। बस एक मामू जान है एंटी करप्शन में है वो। अच्छा एंटी करप्शन में। मैं मुक्का मार के तेरे मुंह की ड्रैंग बिगाड़ दूंगा मुझको रोक देता है। नहीं सर आप टेलीफोन करके पूछ लें जी। क्या नाम क्या है उनका। नजीर अहमद जी। वो मेरे लाल भाई तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया। वो ले जाओ इन दोनों को उधर ले जाकर छित्र फेरो। ना सर जी इनको भी तो साथ लेके जाना। ये तो खुद ब खुद सब कुछ भाग पड़ा पक्का मुल्जम है चोई साहब। ज्यादा बात को तूल देने की जरूरत नहीं है कोई। ये जरूरी नहीं है कि सुनी सुनाई इन्वेस्टिगेशन जो हो वो ठीक होगी।
جان کو لتر پھیرا لے جا لگا لپڑ مارو ادھر وہ میرے لال وہ میرے جگر گوشے مجھ کو لگتا ہے کہ تیرے ساتھ ہمیں جاستی ہوگی وہ تجھے ہمیں رگڑے لگ گیا ہے نا بچڑیا جی ہاں دیکھیں میں تو نام بھی میرا شریف ہے جی ماشاء جی وہ بچیا وہ ماشاء اللہ وہ ایسی بچڑیوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے اس میں باس موسا میرا بچڑا سموسا کھائے گا جی نہیں شکریہ جی مہربانی اچھا ویسے میں بھی تمہارا بڑا بھائی ہوں جو ہو گیا وہ تو یہ بتاؤ کہ کبھی تم نے کسی کڑی کو کسی کاکی شاکی کو چھیڑیا وہ جی بس ایک دو دفعہ ادھر گیا تھا میں تم کو ممارک کو تمہارے اس سچ نے مجھے خوشی فراہم کیا ہے ایک دیواری کی ہمیں بھول جو کہتی ہے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے بجے جاؤ وہ چڑیا گھر جاؤ اور جا کے چوری نذیر صاحب کو کہنا کہ بھائی کرم داد نے سلام بھیجا ہے بھابھی صاحبہ کو بھی میرا سلام اور بچے بچونگڑیوں کو پیار یا میرے لال یا میرے بچے شاباش شاباش میرا پتر ہے سر جی پانچ ملزم پکڑے گئے ہیں سر پانچ نہیں سر جی چار جی کرم داد پورے پانچ